और दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां इस समय रणबीर के घर वाले आ चुके हैं रणबीर को लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों रणबीर इस समय प्राची से पूछता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे इस समय जाना होगा, अगर तुम बोलो तो मैं जाऊं, तुम बोलो तो मैं रुक जाऊं। जी हां दोस्तों, क्योंकि प्राची नहीं चाहती कि किसी भी तरीका से रणबीर यहां से जाए। हालांकि दोस्तों इस समय रणबीर और प्राची की जो बेटी है खुशी, उसकी कस्टडी मिल चुकी है सीधा सीधा रणबीर की मॉम पल्लवी को, और रणबीर की मॉम पल्लवी को कस्टडी मिलने के बाद में इस समय पल्लवी बेहद ज़्यादा खुश नज़र आ रही कि चलो अब फाइनली हमारे पास ही रहने वाला है रणबीर। हालांकि दोस्तों इस समय रणबीर की फैमिली वाकई में बेहद ज़्यादा प्यार करती है खुशी से भी, लेकिन आखिरकार मीका भी यहाँ पर टेंशन में नज़र आ रही है, लेकिन कम से कम यहाँ पर अक्षय खुश नज़र आ रहा है कि चलो फाइनली रणबीर यहाँ से जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्राची ही मना करती हुई नज़र आ रही रणबीर से, रणबीर से सीधा सीधा बोल दिया है कि ना जाने क्यों मुझे तुम्हारी अभी भी ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ रहो तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक प्राउड्स का मोमेंट्स होने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में जोरदार ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ प्राची का इशारा रणबीर समझ चुका है, और रणबीर एक ऐसा शख्स है कि जो हर समय प्राची की ही मानता है, क्योंकि प्राची को कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो इसलिए रणबीर हमेशा प्राची का साथ दिया है और आगे भी प्राची का ही साथ देता हुआ नजर आने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्राची थोड़ा सा नर्वस जरूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि प्राची को नीड है इस समय रणबीर की, ना कि अक्षय की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्षय से कोई भी किसी तरीका का कोई भी सहारा नहीं है, बल्कि अगर असली सहारा है प्राची को तो वो है रणबीर से। जी हाँ साथी दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने सपोर्ट किया है, उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगा।